हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC इलेक्ट्रिकल एंड फायर टेक। तो फ्रेंड्स, सब आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डीजी के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल से कुछ वीडियो डिलीट हो गए हैं, तो अगर आपको वो वीडियो दोबारा चाहिए या उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वीडियो जो है दोबारा प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो आइए हम डीजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीजी के अंदर मोस्टली क्या क्या फॉल्ट आते हैं, कैसे हम उन्हें दूर करते हैं और डीजी के बारे में बहुत सी जानकारी। तो आइए चलते हैं हम डीजी पर। तो फ्रेंड, जो हमारे पास में है ये है 62.5 किर्लोस्कर का डीजी। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं इसके डिस्प्ले पर। तो डिस्प्ले के ऊपर जो दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे रीसेट का बटन, और इसके बाद में ये ऑटो मोड का, ये मैनुअल का, ये स्टॉप का और ये स्टार्ट का। तो ये जो सिस्टम है ये मैनुअली काम करता है। अभी हमने जो है डीजी को जो है ऑटो सिस्टम पे कर रखा है, जो यहाँ पे डिस्प्ले पे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने इसे मैनुअली अगर ऑपरेट करना हो तो इसे पहले मैनुअली सिस्टम पे करना पड़ता है। तो जैसे हम ये यहाँ पे लाइट बिलिंग कर रही है, अभी ये मैनुअली सिस्टम है। अगर हम इसे स्टार्ट करना चाहें तो इन कीज़ के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ स्टॉप से ऑफ कर सकते हैं। तो हमें जो है डीजी को ऑटो मोड में रखना होता है, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है तो दोबारा ऑन होने के लिए ऑटोमेटिकली। इसके बाद में ये जो स्विच दे रखा है, ये दे रखा है AMF पैनल को पूरा फुली कंट्रोल, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से होता है। तो मैं आपको इसे ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमने इसे ऑफ किया तो ये देखिए डिस्प्ले पूरा बंद हो चुका है, जो कि डिस्प्ले के अंदर लाइट आनी बंद हो गई है। इसे हम दोबारा ऑन कर देते हैं। यहाँ से ऑन करने के बाद में देखिए पूरा जो डिस्प्ले है वो पूरा रीसेट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डिस्प्ले पर प्रॉब्लम दिखाई देती है तो सबसे पहले आप इसे एक बार ऑफ और ऑन जरूर कर लें, उसके बाद में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं फॉल्ट वो निकल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से भी हम रीसेट कर सकते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हमने इसे ऑटो मोड में कर दिया है। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये अभी जैसे मेन सप्लाई आ रही है तो इसके लिए मेन लोड पे ऑन है। तो जैसे ही डीजी चलेगा, अगर डीजी के ऊपर लोड आएगा तो यहाँ पे जो है लाइट ये बिलिंग करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये डीसी सप्लाई का ऑन ऑफ है, ये कनोपी जो इसके अंदर लैंप लगा होता है डीजी के अंदर, उसके लिए स्विच है। ये इमरजेंसी स्विच है, जो कि अगर कई बार डीजी ऑफ नहीं होता है, मैनुअली भी ऑफ करते हैं तो भी, उसके इसलिए ये इमरजेंसी स्विच होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमें जो ये मैनुअली और पूरा ऑटो जो AMF पैनल होता है, जो आप ये देख रहे हैं इसे AMF पैनल बोलते हैं। AMF पैनल को ऑटो और मैनुअली मोड पे चलाने के लिए होता है, और ये जो है सप्लाई मेन और डीजी के ऊपर देने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, जो डीजी के अंदर सबसे पहले जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है वो होती है फ्रेंड, जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है वो आती है डीजी के अंदर डीजल कम हो जाता है किसी कारणवश, तो जो डीजी है जो एयर ले लेता है। तो आप एयर लेने के बाद में जो है डीजी स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे ये डीजल पंप होता है पूरा, ये इसे डीजल पंप बोलते हैं। इसके अंदर ये जो होता है ये पंप लगा होता है, इस पंप को जो है हमने इस तरह से खोलना होता है घुमाकर, और ये जो है इस तरह खुल जाता है। तो इसे हमने जो है 15 से 20 बार पंपिंग करना होता है। जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर चल रहा है, तो जब ये इसके अंदर हवा एयर लेता है तो ये बिल्कुल आराम से खिलता है। तो इसे जो है 15 से 20 बार ऊपर नीचे करने के बाद में आप इसे जो है दोबारा डीजी को स्टार्ट करेंगे तो डीजी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में एक जो है हमने यहाँ पे ये कूलेंट का लेवल देखना होता है। अभी कूलेंट का लेवल मेरा यहाँ तक है तो बिल्कुल सही है। तो ये जो लेवल है ये बीच में, इन दोनों जो है मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट है इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसके बाद में जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है बैटरी की। तो जो बैटरी आती है ये पूरा प्रॉपर 13-14 वोल्टेज ये जो देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इसके वोल्टेज भी प्रॉपर चेक कर सकते हैं। बैटरी अगर आपकी चार्जिंग नहीं होगी तो आपका जो डीजी है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है वो डीजी के अंदर ये दो ही आती है, बैटरी की और जो डीजल की आती है। डीजल अगर पंप आपका एयर ले जाता है तो डीजी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो और चैनल को सब्सक्राइब करें,
चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास में बेल का आइकन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, जो उससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।